हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं विशाल पांडे। आज रीजनिंग के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बैंक से रिलेटेड सारे एग्जाम में, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे एग्जाम में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और उस क्वेश्चंस में या उसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको ऑड वन आउट में कोई भी डाउट होगा तो यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आवर मॉक टेस्ट फ्रॉम आवर। Okay, so let's start with the session. So first question is, there is two set given to us. ठीक है, ये दो set हमें दिया हुआ है। Let's see what the question says. Four of the following files are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement and so form a group. Which one of the following does not belong to the group? ठीक है, तो ये दो set दिए हैं। इन दो set में से ये कुछ patterns derive किए गए हैं। तो इनमें से पांच में से चार जो pattern है वो same पैटर्न फॉलो करते हैं और एक कोई टर्म ऐसा है जो वो पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो लेट्स सी कि कौन सा पैटर्न है और कौन से टर्म्स वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी, कैरेट फाइव एंड स्लैश। तो कैरेट का हमारा ये फाइव, ये स्लैश ये, तो एक का गैप यहां, एक का गैप यहां, तो एक एक लेटर का गैप है। लेट्स सी फॉर डी टू बी, तो डी यहां, टू यहां, बी यहां, बीच में हैश एक गैप, इसमें एक गैप। फिर आपका आता है एंड फोर क्यू, एंड फोर क्यू, तो इनमें तो कोई गैप हमको नहीं दिख रहा है। तो ये तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमारा कैरेट फाइव स्लैश और डी टू बी कर रहे थे। तो ये हमारा वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो अपना आंसर तो मिल गया कि ऑप्शन सी है जो ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है जैसे बाकी दोनों कर रहे थे। ये दोनों भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं डी टू बी और कैरेट फाइव हैश जैसा। तो लेट्स सी वाई पी क्वेश्चन मार्क, वाई पी क्वेश्चन मार्क, तो एक गैप प्लस एक गैप यहां पे एक और है टी का, एक एक्स डॉलर एस, तो एक्स डॉलर एंड सेवन, तो ये बीच में गैप आया नाइन का और यहां एक गैप आया थ्री का। तो यहां भी दोनों, मतलब ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म क्या कर रहा है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये जो एंड फोर क्यू है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट विल बी ऑड वन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है सर, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट सेम एज अदर ऑप्शन। अच्छा, इसमें अभी वही चीज हमें फाइंड करनी है जो पिछले क्वेश्चन में था कि इन पांच ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है जो बाकी चार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, बी एफ जेड जेड सॉरी जे एंड एन, बी एफ जे एन। तो बी और एफ के बीच में अगर आप देखो तो कितनी दूरी है या कितने लेटर है, सी डी एंड ई। एफ से जे में जाने में जी एच आई, जे से एन जाने में, जे से एन जाने में जे के एल एम, तो तीन तीन लेटर का बीच में गैप चल रहा है। लेट्स सी फॉर एम क्यू यू वाई, एम से क्यू जाने में एन ओ पी, क्यू से यू जाने में आर एस टी, यू से वाई जाने में डब्ल्यू एक्स वी डब्ल्यू एक्स। तो यहां भी तीन तीन लेटर का सेट फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी फॉर एच एल पी टी, एच एल पी टी, तो एच क्या है आपका, एच और एल में जाने में कितना वो लेटर का गैप है, एच एल में आई जे एंड के तीन, एल पी में एम एन ओ फिर से तीन है, पी टी में क्यू आर एस, तो ये तीन के तीन क्या कर रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी फॉर द फोर्थ वन, वाई सी एफ एंड आई, तो वाई सी में कितना का डिफरेंस है, जेड ए बी, सी एफ में कितने का डी ई और एफ आई में जी एच। अच्छा, यहां पे तो तीन लेटर का गैप है बट सी से एफ में केवल दो लेटर का गैप है और एफ से आई में भी केवल दो लेटर का गैप है, दैट इज जी एच। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो ए बी सी के जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज वाई सी एफ आई। ठीक है, लेट्स सी चेक कर लेते हैं एक बार आर बी जेड के लिए भी।
आर से वी जाने में एस टी यू, वी से जेड जाने में डब्ल्यू एक्स वाई, और जेड से डी जाने में ए बी सी। तो ये तीन के तीन लेटर्स का गैप है आर बी जेड डी में भी, तो ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो ए बी सी कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखिए यहां पे कुछ एक लेटर है उसके साथ नंबर है, यहां भी लेटर और नंबर, लेटर नंबर, लेटर नंबर, तो पांचों ऑप्शन में आप देखोगे तो एक लेटर और एक नंबर है। तो जब कभी भी कोई लेटर के साथ नंबर का रिलेशन हो, ठीक है, कभी भी कोई लेटर कह लो या अल्फाबेट कह लो, कोई नंबर के साथ रिलेशन बन रहा है या पैटर्न बन रहा है, तो नंबर जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका उसके पोजीशन वैल्यू से ही रिलेटेड होगा, या कोई सीरीज होगी तो बात अलग है, बट ऐसे से क्वेश्चन में हमेशा जो भी उनके बगल में ये नंबर बन रहा है वो मैक्सिमम टाइम होता है कि पोजीशन वैल्यू ही होगी, जिसके साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करके, ऑपरेशंस बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, वो नंबर एक पैटर्न जनरेट करते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है। ओ अच्छा, इससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, आपको वो ईजोटी के बारे में बता दें। ईजोटी क्या होता है? ईजोटी हम एक तरीका रखते हैं पोजिशन वैल्यू याद करने का, 5, 10, 15, 20 एंड 21। तो ये क्या है, इनके पोजिशन वैल्यू है अल्फाबेटिकल सीरीज में। आपको ये चीज अगर याद रहे तो आपको m का वैल्यू जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, o से दो वैल्यू पहले m आती है, n और m, यानी 15 है, 14 पे n आ गया और 13 पे m आ गया, तो इससे आप पोजिशन वैल्यू जान सकते हो। तो o की पोजिशन वैल्यू आपको क्या है, 15, तो o 15 है लेकिन हमें तो 36 दिया है। अब 15 को 36 बना कैसे सकते हैं, क्या करेंगे, o को ऐसे लिखेंगे और 5 और 1 का सम क्या होगा, 6। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, तो O 36। तो ये चीज दिखा आपको कि हमने क्या किया है, जो डिजिट यूज हुए हैं उनको ऐड किया है, और ऐड करने के बाद क्या कर दिया, उनका स्क्वायर कर दिया। तो क्या देखते हैं बी ऑप्शन भी सेम पैटर्न फॉलो करता है या नहीं करता है। तो M 16 की जगह M की वैल्यू क्या है, क्या होगी पोजिशन M की, M की पोजिशन होगी 13। J से देख लो, J 10 है, KL 11, 12, M 13, ठीक है, तो M 13 इनका ऐड करा 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है भाई, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा एज द A follows the pattern। चलो T देखते हैं, तो T का पैटर्न क्या है, T का वैल्यू क्या है, पोजीशन 20 हो गया यहाँ पे, T 20 को ऐड किया तो T 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर किया 2 का तो 4 हो गया, यहां तो दिया 9, तो ये वो पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। लेट्स सी फॉर W25। तो अपना आंसर तो मिल गया, क्योंकि दो अगर फॉलो कर रहे हैं और एक नहीं फॉलो कर रहा है इसमें, तो यही ऑड पेयर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो एक दो ऑप्शन के बाद अगर तीसरा ऑप्शन दिख रहा है कि वो दोनों ऑप्शन से अलग है, तो अपना आंसर वही होता है, लेकिन एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए। तो W25, तो W का पोजीशन क्या होगा, Y का क्या है, Y का 25 है, तो W के बाद क्या आता है, W X Y, तो Y अगर 25 है तो W कितना हो गया, 2 पीछे गया, यानी 23 हो गया। अब इनमें डिजिट का अगर हम सम करते हैं तो W 5 हो जाता है, और इस 5 का स्क्वायर किए तो W 25। तो ये भी वही ऑप्शन, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमारा A और B कर रहा था। अच्छा, X 36 आ गया, लेट्स सी कि X की वैल्यू क्या होगी। X जस्ट Y से पहले आएगा, तो X 24, डिजिट का सम किया तो 6 और स्क्वायर किया तो 36। सो ऑप्शन E भी जो है हमारा वो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आपका A, B और D कर रहा है, और इन पांचों में से C ऐसा ऑप्शन है जो पैटर्न वो नहीं फॉलो कर रहा है। सो आर ऑप्शन C इज द आंसर। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। 4 out of 5 ऑप्शन आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल सीरीज, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। हमारे पास फिर से 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 4 जो है वो एक ही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और एक जो इनमें से है वो वैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें वैसा वाला ही वैल्यू क्या करने है, वैसा वाला ही ऑप्शन क्या करने का है, ढूंढ के निकालना है। लेट्स सी
अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे ऑप्शंस में, आईसी पीके एफ एस एन एम एच, तो सारे तो पहले देखो, हम पहले तो यही देख लो कि क्या जो ऑर्डर यूज हुआ है, जैसे इसमें देखिए आप सारा रिवर्स ऑर्डर यूज हुआ है, जो अल्फाबेट अल्फाबेटिकल सीरीज में पोजिशन वैल्यू ज्यादा है उसको हमने पहले लिखा है और जो कम पोजिशन वैल्यू है उनको बाद में लिखा है। हो सकता था इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें रिवर्स ऑर्डर ना होके एक अपना जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उस तरीके का ही ऑर्डर होता, तो वही हमारा ऑर्डर राउंड हो जाता। ठीक नहीं, तो यहां पे हमने देखा कि ऑर्डर सबका सेम है, आई सी तो आई बाद में आता है सी से, पी के पी बाद में आता है के से, एफ ए एफ बाद में आता है ए से, एस एन एस बाद में आता है एन से, एम एच एम बाद में आता है एस से, तो सब एक ही रिवर्स ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हैं, तो इनमें कोई अभी रिवर्स ऑर्डरिंग के सेंस में कोई ऐसा ऑड वन आउट नहीं है। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है ऐसा। तो एक बार हम इनके पोजीशंस वैल्यू की डिफरेंस देख लेंगे, तो एक बार हम फिर से यहां पे अपना मंत्रा लिख लेंगे, ई जो टी, तो ई जो टी में 5, 10, 15, 20, 25। चलिए आईसी है तो आई की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, आई की पोजीशन वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, आई जे होता है, जे 10 है तो आई 9 हो गया। सी की पोजीशन वैल्यू क्या हो गई, सी की पोजीशन वैल्यू हो गई 3, आई मीन का डिफरेंस 6, ओके फाइन। पीके ना, पीके वाला पीके नहीं, पीके ओ, ओ से पहले क्या आता है आपका एन, अच्छा पी तो बाद में आएगा तो ओ 15 है, एम एन ओ पी नेक्स्ट, जस्ट ओ के नेक्स्ट आता है, तो पी की पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ से एक ज्यादा यानी कि 60। ठीक है, अब के की क्या हो जाएगी, जे के 10 के जस्ट बाद है तो 11, और ये डिफरेंस क्या हो गया 5। ओहो, ये तो दोनों में पहले और दूसरे ऑप्शन में ही डिफरेंस दिख गया। चलो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन है हमारा एफ एंड ए, तो ई की पोजीशन वैल्यू 5, ई एफ तो एफ की पोजीशन वैल्यू होगी 6, ए की पोजीशन वैल्यू मालूम है 1, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया 5। ओ यानी बी और सी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ए वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, सो आवर आंसर विल बी ए। लेकिन चलो डी और ई भी एक बार हम पैटर्न देख लेते हैं। एस, एस की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, एस की पोजीशन वैल्यू के लिए टी देख लो, टी 20, तो टी से जस्ट पहले कौन सा लेटर आता है एस, तो एस की पोजीशन वैल्यू क्या होगी 90। एम, एम से जस्ट पहले क्या, ओ सॉरी ओ, ओ से जस्ट पहले क्या आता है एन आता है, एम एन ओ, तो ओ की पोजीशन वैल्यू अगर 15 है तो एन की पोजीशन वैल्यू क्या होगी 14, और इसका डिफरेंस लिए तो आ गया 5। ओके, तो ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमारा बी और सी कर रहे थे। लेट्स सी फॉर एम एच, व्हाट विल बी द पोजीशन वैल्यू ऑफ एम, एम की पोजीशन वैल्यू हो जाएगी 13, जैसे जे से 3 लेटर आ गए के एल एम, तो जे की वैल्यू है 10, तो एम की वैल्यू हो गई 13। और एच, एच आपका ई से 3 लेटर आ गए हैं, ठीक ना, ई एफ जी एच, तो 5 + 3 8, तो 13 - 8 5, तो ये भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आपका बी सी डी कर रहे थे, और ए वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है जो बाकी बी सी डी ई कर रहे थे, तो ए अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द ऑड पेयर ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी डी ई। अब देखिए इसमें तो भाई बड़े बड़े नंबर लिखने लगे हैं, सी जी 441, एक्स ए 576, PT 256, MQ 484, 48841, HL 9216, है ना। अब इसमें देखोगे अगर आप, तो ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर यूज हो रहा है, CG, XA, PT, MQ, HL। अब देखो हम कभी कभी ना अपने अल्फाबेटिकल सीरीज को एक सर्कुलर सीरीज भी मान सकते हैं, जब हम सर्कुलर सीरीज मानते हैं तो इसमें Z के बाद आपका A आ जाता है, तो ये हम नहीं कह सकते कि ए पहले आ रहा है और जेड बाद में, तो यहां पे हमने क्या किया, सर्कुलर बांध लिया। चलिए देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सी जी, सी की पोजीशन वैल्यू 3, जी की पोजीशन वैल्यू 7 हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से ई जो टी लिख लेते हैं, यहां पे ई जो टी लिखा 5, 10, 15, 20 एंड 25, तो सी की पोजीशन वैल्यू 3
और ई एफ जी, एफ जी मतलब दो लेटर बाद आ रहा ई से, सेवन हो गया भाई। सेवन इंटू क्या हो जाएगा, सेवन थ्री ट्वेंटी वन, तो ये तो 441 है। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर किया गया है तो 441 आ रहा है। लेट्स सी कि XA के साथ क्या है। XA की पोजीशन वैल्यू, XA की पोजीशन वैल्यू क्या है हमारे पास, Y से जस्ट पहले आता है तो 24 और A की पोजीशन वैल्यू 1। अब 24 इंटू 1 किया तो क्या आ गया, स्क्वायर करके 24 और स्क्वायर 576। सिमिलरली PT का देख लें, P और T, तो P का होना क्या चाहिए, MNOP तो 16 और T का होना चाहिए 20। तो ये तो हो गया 16 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी ये 256। अच्छा तो ये तो 256 के 16 का स्क्वायर, ये तो ये वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है जो A और B कर रहे थे। लेट्स सी फॉर MQ48841, यही है। तो M का ऑप्शन क्या है, M का पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगा 13, Q का क्या हो जाएगा 15 है तो P और Q 17। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 48841 आएगा। सिमिलरली HL का देखा जाए तो H का पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगा, F G H 8 हो गया, L का J K L 12 हो गया, यानी 8 इंटू 12 हो गया। 96 का स्क्वायर करना है वो कितना आ जाएगा, 9216। तो हमारा जो ऑप्शन ए बी डी और ई है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट ऑप्शन सी जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो अपना जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इस सेशन को आज हम यही एंड करते हैं। ऑड एंड आउट के ऊपर आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा उनको क्लियर करेंगे। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू ऑड एंड आउट फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू गॉट सम क्वेश्चन सॉल्विंग सम पीडीएफ, तो उसमें कोई डाउट आ रहा है तो जरूर अपने डाउट्स को जरूर इस कमेंट बॉक्स में डालिए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सो have a nice day. Thank you and bye.